अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इफ्तार स्पेशल बैगनी चाट रेसिपी। ये देखिए कितनी लाजवाब बैगनी बनकर तैयार हुई, एकदम क्रिस्पी। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का बैगन लिया है। ये देखिए इस तरह से इसे मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसे इसका ऊपर का जो डंठल है उसे हम काट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर की हिस्से को निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने ऊपर का हिस्सा इसका निकाल दिया है। अब हम इसे बीच से काट लेंगे। अब हम इसके मीडियम साइज के स्लाइसेस काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये देखिए हमें इस तरह से इसके स्लाइसेस काटना है, मीडियम साइज के, ना ज़्यादा इसके मोटे रखने हैं ना ज़्यादा इसके पतले स्लाइसेस रखने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें काट लेना है। ये देखिए इतने साइज के काटने हैं हमें। अब मैंने लिया है, मैंने 1.5 कप के करीब यहाँ बेसन लिया है। इसे मैंने अच्छे से पानी और डालकर इसे घोल लिया है, इसे मीडियम साइज का। इसे ना ज़्यादा हमें पतला करना है और ना ज़्यादा ही इसे गाढ़ा करना है। और इसे स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है मैंने, और कुछ भी नहीं ऐड किया है। ये हमारा तेल है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे अपने बैगनी। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे डिप करना है। देखिए अच्छे से बैगन को बेसन में अच्छे से डिप करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे ऑयल में डाल देंगे। हमें इसे मीडियम लो पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो हमारे पकौड़े ऊपर से सिक जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे। तो ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमारे पकौड़े का कलर चेंज हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए दूसरा भी हमारा तैयार है। ये देखिए मैंने और भी पकौड़े यहाँ डाल दिए हैं। तो ये भी दोस्तों इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर। ये देखिए कितने बैगनी थिक कर तैयार है हमारी। इस तरह से हमें ये, मैंने देखिए सारी बैगनी हमारी रेडी हो चुकी। आइए हमें से एक, ये देखिए मैंने ऐसे एक एक करके मैं इसे रख दूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है हमारी बैगनी। अब हम इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास चटनी रखी हुई है तो मैं इसमें डाल दूंगी मीठी चटनी। इस तरह से हमें सारी बैगनी में चटनी डाल देनी है। गाइस एक बार बनाकर देखिएगा, सिर्फ इसे बनाने में 5 मिनट ही लगते हैं, इसे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अनियन ऊपर से कटा हुआ। ये देखिए इस तरह से हमें, ये देखिए कितने लाजवाब लग रही हैं हमारी बैगनी। इसे आप तार में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी चटनी और डालेंगे ऊपर से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ धनिया पाउडर। चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा। ये देखिए कितनी लाजवाब बैगनी बनकर तैयार हुई है हमारी। ये देखिए कितनी, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अभी खा लूँ।
ये देखिए, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।